ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल चमकती किस्मत में। मैं वेद पंडित आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां हर रोज़ हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिन्हें अपने जीवन में अपनाने से आपको आपके कार्यों में सफलता मिलती है। जी हाँ दोस्तों, हम हर रोज़ भगवान गणेश जी से आपके और आपके परिवार की कुशलता और सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन यापन कर पाएंगे। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जो पीपल के पेड़ से जुड़ा है। दोस्तों यदि आपने ये हमारे विधि अनुसार कर लिया जिस तरीके से हम आपको बताते हैं, तो विश्वास मानिए दोस्तों आपके जीवन में सुख समृद्धि भर जाएगी और आपको आपके जीवन में किसी प्रकार का आर्थिक संकट कभी झेलना नहीं पड़ेगा। दोस्तों लेकिन जिससे पहले हम आगे पढ़ें, हम आपसे कहना चाहेंगे यदि आप पहली बार हमारे चैनल से चमकती किस्मत पर आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि जिन लोगों को भी इन उपायों की ज़रूरत है वह भी इन उपायों का पूर्ण लाभ उठा सकें। अब हम अपने विषय पर पुनः वापस आते हैं। दोस्तों आपको ये उपाय पहली बात तो पूरी तरीके से गुप्त रख के करना है, इसलिए किसी को ना बताएं अन्यथा यह विफल हो जाएगा। और दूसरी बात दोस्तों यह आपको आने वाली गुप्त नवरात्रियों में करना है। जी हाँ, आने वाली गुप्त नवरात्रियाँ 29 जून 2022 से शुरू हैं। दोस्तों इसी के साथ आप ये वैसे नवरात्रियों में भी कर सकते हैं और ये आप दिवाली के दिन भी कर सकते हैं, लेकिन इस समय सबसे निकट गुप्त नवरात्रि हैं, तो इसलिए आप ये प्रयोग उपाय गुप्त नवरात्रि में ही करें। आपको शनिवार के दिन सुबह उठ के नहा धो के जल्दी उठना है, 4 बजे से सुबह 6 बजे के बीच पीपल के वृक्ष पे जाना है दोस्तों आपको। जी हाँ, और आपको ये सब चीज़ें इकट्ठी कर लेनी है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। पीले चावल यानी कि पीले चंदन को आप चावल में लगा लें उसका मिक्सर, तो ये चावल पीले हो जाएंगे। इसी के साथ आपको सुपारी, कमलगट्टा, गुलाब का फूल, लाल गुलाब का फूल दोस्तों ध्यान रखें, सिंदूर, कौड़ी जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, काली हल्दी और 1 रुपये का सिक्के की आवश्यकता होगी। इन सब चीज़ों को आप रख लें और आप एक लाल कपड़ा, यदि आपके पास नहीं है तो बाज़ार से जाके ले आएँ, एक लाल कपड़े में इन्हें बांध लें, एक पोटली बना लें जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, और इन सब चीज़ों को एक बार गंगा जल छिड़क के पवित्र जरूर कर लें। उसके बाद इनकी पोटली बना के आपको सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच पीपल के पेड़ के पास जाना है शनिवार के दिन, और वहाँ पर पीपल के तने में यानी जड़ में आपको यह है चढ़ा देनी है चीज़ें, पोटली रख देनी है और नारायण और लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करनी है। दरअसल शनिवार के दिन पीपल के तने यानी जड़ में नारायण लक्ष्मी का वास होता है, आपको उनसे प्रार्थना करनी है, उनको निमंत्रण देना है और कहना है हे विष्णु भगवान, हे लक्ष्मी मैया, बालक के घर में आके विराजें और बालक के जीवन में जितने भी दुख कष्ट विघ्न बाधाएं इन्हें ख़त्म करें और अपने बच्चे को जो है धन धान्य से भरें और आशीर्वाद दें कि आपका बच्चा बालक बालक का परिवार आपके चरणों में आपकी पूजा सेवा आराधना करते हुए दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और आपकी छछाया में एक शांतिपूर्ण और सुखद जीवन व्यतीत कर पाए। हमारे घर में आके विराजें विष्णु भगवान और लक्ष्मी मैया। और इसी के साथ और कोई शक्ति भी यदि इस पेड़ पर उपस्थित है तो हम ये निमंत्रण उनको नहीं देते, हम ये निमंत्रण खाली विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी का आह्वान कर रहे हैं, उन्हीं के लिए है। इसलिए यदि कोई और शक्ति इस पेड़ पे है तो वो यही रहे, उसके लिए ये निमंत्रण नहीं है। यह कह के आप वापस आ जाएं। दोस्तों आपको ये बताना हम आवश्यक है हमारे लिए कि पीपल के पेड़ पे कई और शक्तियाँ भी विराजमान होती हैं, इसलिए आपको यह पूरी तरीके से प्रार्थना करनी है, साफ साफ कहना है कि और जो भी शक्तियाँ हैं वह हमारे यहाँ ना आएँ, हमारा ये निमंत्रण सिर्फ विष्णु और भगवान और नारायण लक्ष्मी मैया के लिए है, क्योंकि यदि और कोई शक्तियों को भी आपने निमंत्रण दे दिया या वह आ गई तो आपके लिए संकट भी हो सकता है। इसलिए प्रार्थना को इसी तरीके से करें और साफ साफ बोल दें और ये कह के आप अपने घर आ जाएं। दोस्तों 41 दिन के भीतर आप देखेंगे कि आपके जीवन में धन के नए नए रास्ते खुलेंगे। यदि अब तक धन रुक रुक के आता था या फिर आप बेहद गरीब थे, आपके घर में सही से धन नहीं आ पा रहा था, तो यह सब चीज़ें समस्या खत्म हो जाएंगी और आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे और आपके नए नए धन के रास्ते भी खुलेंगे। इतना धन आएगा और इतने रास्तों से आएगा कि आप समझ नहीं पाएंगे कहाँ से आ रहा है और कितना आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, सुनने में सरल लग रहा है लेकिन यह एक असाधारण उपाय है, उसका फल भी असाधारण है। दोस्तों इसे गुप्त रख के करें और फिर देखें दोस्तों आप कैसे अपने जीवन में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं, लेकिन विधि बिल्कुल हमारे बताए अनुसार ही करें, हर बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों, अन्यथा ये विफल हो सकता है या आपका जीवन में इसका गलत असर भी पड़ सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो इसमें बताया गया उपाय से लाभ मिलेगा। दोस्तों अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।